रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखसाना खालिद, आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। यखनी वाला पुलाव तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिए, 10 अदद लहसुन के जवे ले लिए, 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज, खाना खाने वाले 2 चम्मच नमक। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले से कर दिया है तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। खाना खाने वाले 2 चम्मच खुशक साबुत धनिया। इस गिलास से आपने माप के चावल लिए हैं, उसी गिलास से माप के आप पानी लेंगे। मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं, मैं 4 गिलास यहाँ पे पानी डालूंगी, वो इसलिए आधा गिलास मैं ज्यादा डाल रही हूँ ताकि जब यखनी तैयार हो तो पानी कम ना हो। जब तक एक उबाल नहीं आ जाता आपने इसको पका लेना। इसको करते हैं दूसरे चूल्हे पे और यहाँ पे बाकी की तैयारी करते हैं, क्योंकि गैस चली जाती है इसलिए हम 2 चूल्हों पे काम करेंगे। कढ़ाई में 1 कप तेल डालेंगे। जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है यहाँ पे हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें बाकी की चीजें शामिल करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना कि किस तरीके से हम यखनी वाला पुलाव तैयार कर रहे हैं। तेल गर्म हो चुका है, 3 अदद दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, 2 अदद तेज पत्ते। खड़े मसाले आपने साथ ही डाल देने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खाने वाला 1 चम्मच साबुत जीरा। इन तमाम मसालों को प्याज के साथ ही हम भुनेंगे ताकि इनका असर निकल आए। प्याज को ब्राउन करते हैं, फिर बाकी की चीजें शामिल करते हैं। प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें सुरख मिर्च डाली है, इनको मैंने घर में खुशक किया हुआ है। धो के आपने इनको अच्छे तरीके से तो खुशक करके रख लेना, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगी। प्याज ब्राउन हो चुका, जब इस तरीके से हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे देना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का प्यारा सा कलर निकल आया। 6 अदद बड़े साइज की बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, 2 अदद बड़े साइज के टमाटर, खाने वाला 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, खाना खाने वाले 2.5 चम्मच नमक। दूसरी तरफ मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें यखनी यहाँ से तैयार हो चुकी है, यखनी पकना शुरू हो गई है। जब इस तरीके से पक जाए तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना। यखनी में से चिकन निकाल के मसाले में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ऐसे आप अगर यखनी वाला पुलाव तैयार करेंगे तो बहुत ही मजे का तैयार होगा, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। चिकन मैंने सारा ही निकाल के डाल लिया, अब इसको अच्छे तरीके से भून लेते। जितना आप अच्छे तरीके से चिकन को भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका पुलाव तैयार होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को इतना हमने अच्छे तरीके से भूना कि इसने घी छोड़ दिया। जो हमने यखनी तैयार करके रखी है वो इसके अंदर डालेंगे। आपने ऊपर ऊपर से डाल लेनी है, नीचे से जो चीजें रह जाएंगी वो रह जाएंगी। ये देखें, अगर आप ऊपर ऊपर से डालेंगे तो नीचे ये चीजें रह जाएंगी। यखनी डाल लेनी है तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और यहाँ पे आपने नमक चेक करना, अगर नमक कम हो तो और डाल दो। इसको ढांप देते हैं और पकने देते हैं। देखे पकना शुरू हो चुका है पानी। आधा घंटा पहले अच्छे तरीके से 2-3 पानी धो लिए थे, इनको भिगो दिया था, ये डालते हैं। यखनी हमारी पहले ही तैयार थी इसलिए जल्दी से ये पानी पकना शुरू हो गया था। इसे मिक्स करते हैं और 10 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, चावलों को डाले हुए चेक करते हैं। चावलों के अंदर से पानी खुशक हो चुका है, ये हल्के हल्के कच्चे हैं, इनको दम पे लगाते हैं। दम से लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आपकी मर्जी है। मेरे बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद है इस तरीके से चावल बने हुए, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। आंच बिल्कुल हमने दम वाली कर दी है, 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे दम लगाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, चावलों को दम लगाए हुए इनको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखे कितने जबरदस्त चावल तैयार हुए हैं, बिल्कुल ये अकेले अकेले चावल तैयार हुए हैं। और देखे कितना प्यारा इसका कलर आया जो हमने फूड कलर डाला था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।